तो आप बदलने जा रहे हैं यूपी के हालात। वो तीन बड़े कदम जो अब योगी उठा चुके हैं। नंबर एक, अब दो दिन नहीं बल्कि तीन दिन का होगा लॉकडाउन। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बेकाबू हालातों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश की योगी सरकार को जमकर फटकार लगाई थी, जिसके बाद आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। अब यूपी में दो नहीं तीन दिन लॉकडाउन रहेगा। पहले ये दो दिन था, यानी कि शनिवार और रविवार का था। अब एक दिन बढ़ाकर सोमवार को भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। दरअसल कोर्ट ने हाथ जोड़कर एक बार फिर यूपी सरकार को 14 दिन के लिए बड़े शहरों में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया था, जिसे मानने से इनकार कर दिया था योगी ने। लेकिन अब तीन दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। दूसरा बड़ा फैसला, ऑक्सीजन ऑडिट सिस्टम ऐप के साथ होगी 60 अस्पतालों की निगरानी। कानपुर IIT के ऑक्सीजन ऑडिट सिस्टम ऐप में डाटा फीडिंग का काम शुरू हो गया है। प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को प्रथम चरण में 60 अस्पतालों की सूची दी गई है। विश्वविद्यालय अस्पताल में मौजूद बेड मरीजों की संख्या, कोविड मरीजों की संख्या, वेंटिलेटर, साधारण ऑक्सीजन पर मरीजों की संख्या, ऑक्सीजन की उपलब्धता, मात्रा आदि जानकारी अपडेट करेंगे। यानी कि ऐप पर सब जानकारी मिल जाएगी और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। यानी जो तस्वीर लगातार बदहाल है उसकी जानकारी अब ऐप के जरिए मिलेगी कि आखिरकार इस अस्पताल में क्या है और क्या नहीं। और तीसरा बड़ा फैसला योगी करने जा रहे हैं, वो ये है कि अब टीम 11 अब सख्त होने जा रही है, क्योंकि योगी क्वारंटीन लगभग पूरा होने वाला है। और क्वारंटीन पूरा कर जब वो वापस लौटेंगे तो अपनी टीम 11 को और सख्त करेंगे, क्योंकि अब तक देखा है कि योगी जब से क्वारंटीन है तब से स्थिति लचर है, हर ओर हाहाकार है। यूपी में इतनी भयंकर स्थिति है कि देखकर ही रोना आ जाए। अस्पतालों के बाहर मरीज लेटे हैं, अस्पतालों के अंदर बेड नहीं और लगातार ऑक्सीजन की कमी, जो बता रहा है कि आखिरकार हालात बद से बदतर हैं। खुद डॉक्टर की जुबानी सुनिए कि सहारनपुर सरकारी अस्पताल में कैसे ऑक्सीजन खत्म है और मरीज बेहाल। 32 पेशेंट इस समय मौजूद है, अधिकतर मरीज ऑक्सीजन वाले ही आ रहे हैं। 22 सिलेंडर गए थे भरने, जो अभी तक आए नहीं भरकर, और 15 अभी भेजे हुए हैं भरने, लेकिन अभी तक न वो 22 भर के आए ना 15 भर कर आए। अच्छा, मैडम को हमने घर पे इन्फॉर्मेशन भिजवा दिया, CMS को क्या हमने घर पे भिजवा का कहलवा दिया मैडम को। अभी तक कोई बात नहीं कि ये कह रहे कहीं टैंकर फंसा हुआ है। अच्छा। जो सिलेंडर लेने गया है टैंकर आ नहीं पाया अभी। अभी मरीज की क्या कंडीशन है? जो मरीज सीरियस है, काफ़ी सीरियस है। लगभग कितने मरीज होंगे? कम से कम 15-20 मरीज तो वेरी सीरियस हैं। तो ऐसी स्थिति में अब आप क्या कर रहे हैं सर? इंजेक्शन ही लगाए जा रहे हैं उनको, और ऑक्सीजन के लिए बार बार कर रहे हैं कि आ जाए जल्दी से जल्दी आ जाए। मैडम को कर चुके हैं, CMO साहब को ही फ़ोन हो चुका है, बाबूजी को फ़ोन कर चुका है जो ऑक्सीजन वो करते हैं। यही कह रहे हैं कि टैंकर फंसा हुआ है कहीं पर, जो ऑक्सीजन लेने गया है टैंकर बीच में फंसा हुआ है। तो समझा जा सकता है भले ही टैंकर कहीं जाम में फंसे हैं, लेकिन सरकार कहाँ फंस गई ये पता नहीं। ऐसे में योगी को सख्त से सख्त कदम उठाने होंगे, तभी बदलेगी यूपी की स्थिति। देखना होगा आगे यूपी और कैसे बदलता है। क्या वाकई कोरोना की बढ़ती रफ्तार को थाम पाएगी सरकार? इस वीडियो को शेयर कीजिए और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हेडलाइंस यूपी उत्तराखंड के साथ।